बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस कई चैप्टर्स और कई एक्सरसाइजेस जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग वहां से सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन वाइज मैंने वीडियोस अपलोड करके रखी हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन चाहिए आप डायरेक्टली उसी वीडियो पर जो है वो जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो कि एक एक घंटे की वीडियो फिर आप उसको जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और फिर आप उस क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं जो क्वेश्चन आपको समझना है, तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। खैर स्टूडेंट, 12.2 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन तो आपको नजर आ ही रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से अभी फिलहाल मैंने एक फंक्शन लिखा है जो कि माइनस साइन एक्स है। हमें ग्राफ बनाना है तो पहले कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आप लोग समझ लें। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर जो है अभी आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, एक चार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। चार्ट तो वैल्यूज से रिलेटेड है, खैर ये वैल्यूज जो है वो आपकी कैलकुलेटर से भी जो है मालूम हो जाएंगी, लेकिन आप ग्राफ देखें कुछ इस तरह का ग्राफ है, कर्वी, ठीक है। तो साइन के लिए इसी तरह ग्राफ शेप जो है इसी तरह की आती है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा क्यों आती है, अभी आप लोग जब पहला ग्राफ करेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा, और फिर ये भी होगा भाई ये पॉइंट्स कहाँ से आए, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, तो बिल्कुल चिल रहे हैं। वैसे तो इसकी थ्योरी काफी ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल जो आप लोगों के लिए जरूरी है तो मैं वो आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, अब जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो है कॉस से रिलेटेड, वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह बना हुआ है ग्राफ। ग्राफ में तो कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन वैल्यूज में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, जो वैल्यू साइन 360 की थी वो कॉस 360 की नहीं है यकीनन, जो साइन 330 की थी वो कॉस 330 की नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आती हैं। कैलकुलेटर में बस आपको साइन लिखना होता है और साइन के बाद वही वैल्यू लिखनी होती है, माइनस के साइन के साथ या प्लस के साइन के साथ, जो भी है आपकी वैल्यू आप लिखेंगे तो आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अभी फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, चार्ट अवेलेबल है तो आप लोग कैलकुलेटर से भी इजिली वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्ट में जो है ना वैल्यू मेंशन की हुई है कि कौन सी चीज किस चीज के बराबर है, तो इतना मुश्किल नहीं है ये पार्ट। और जो -2π 2π इसकी रेंज जो आपको नजर आ रही है वो इस तरह है कि -2π का मतलब होता है -360 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 2π तक +360 तक वैल्यूज है। तो इसी तरह ये वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट की हुई है। पाई का मतलब होता है 180, चले 180 ना सही, 2π आपका 360 डिग्री के बराबर होता है, सही है ना। और माइनस के 360 से +360 तक जो है इसकी वैल्यूज हैं। बस हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके साथ आप ये कर रहे हैं कि अब आपके पास टेन का ग्राफ नजर आ रहा है, टेन थीटा का ग्राफ। टेन थीटा के ग्राफ में भी -2π से, अच्छा टेन थीटा के ग्राफ में -2π से लेके 2π तक की रेंज है, ठीक है। और मतलब सबकी यही रेंजेस आपको दी हुई हैं, वैल्यूज लिखी हुई हैं जो कैलकुलेटर से बहुत आसानी से निकल जाती हैं, और इसका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। जब आएगा तो हम बनाकर देख लेंगे, सारे ग्राफ्स बन जाएंगे। फिलहाल मैं आपको शो करना चाहती थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, उसके बाद चले अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह सेक के, कॉसेक के, उसके भी ग्राफ्स हैं। अभी फिलहाल मैंने बेसिक आपको इन तीन ग्राफ को शो कर दिया ताकि क्वेश्चन स्टार्ट कर लें और बाकी हम क्वेश्चन करते करते सीख लेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने ये किया है कि ग्राफ आपको पता है कि 9 में मैट्रिक में आपने नॉर्मल ग्राफ बनाया होगा कि उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्स एक्सिस पे आप नॉर्मल एंगल्स लिखेंगे जबकि वाई एक्सिस में आप साइन एक्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। अच्छा आप लोग सोचोगे भाई अगर एंगल्स ये हैं तो मैंने ये वाला कॉलम जो है वो क्यों बनाया है, एक्स एक्सिस पे मैं 0 डिग्री 30 60 90 ऐसे क्यों नहीं लिख रही। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जो है क्या कहते हैं साइन जब पुट करूंगा, साइन 0 साइन 30 साइन 60, तो मुझे इस तरह ईजी रहेगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा माइनस का साइन भी आपके पास है, और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये कॉलम है उसमें आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो मतलब क्या कहते हैं वीडियो है ना, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वैसे मैं अभी एक आपको कन्वर्ट करके बताऊंगी भी,
देखें 0 डिग्री का जो रेडियन होता है वो भी 0 ही होता है, तो फिलहाल तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैं सोचूं ब्लैक से ट्राई करके देखूं, सही। अब 30 डिग्री का जो रेडियन है वो कैसे आएगा, पहले मुझे आपको ये बात बतानी पड़ेगी। देखें 30 डिग्री को जब मैं रेडियन को मैं कन्वर्ट करूंगी तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इसको पाई डिवाइड बाय 180 से। ये रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू का यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही मैं कर रही हूँ। अब क्या होगा, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 3 1s आर और 3 6s आर, तो कन्वर्जन वैल्यू जो आएगी वो इसकी आएगी पाई बाय 6। अब आप लोग सोचोगे भाई इतना टाइम इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं नहीं लगाना पड़ेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस में होंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी ये वैल्यूज और आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल 30 से π/6 आया है तो आप 60 से अंदाजा भी लगा सकते हैं डायरेक्ट सोच के कि बस 60 के टेबल में 180 कब आता होगा, 3000 आता होगा तो π/3 हो जाएगा, बस 60 के टेबल में 180 कब आता होगा, 3000 भी आता होगा, बाकायदा आप इस तरह करके भी देख सकते हैं। अब 90 के टेबल में 80 कब आता होगा, 2000 आता होगा तो π/2, क्योंकि नीचे होता है ना 180, सही है, डिनोमिनेटर में। अब 120 कब आता होगा, हाँ ये टिपिकल का चीज़ है, तो हम एक बार 120 का भी कन्वर्जन करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे, ये रफ वर्क है भाई, मैं रफ वर्क और फेयर वर्क सब एक साथ कर रही हूँ, पता नहीं किस तरह। π/180 क्रॉस करके देख लेते हैं, बाकी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या होगा, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। अब 12 को आप देखें, 12 और 18 किस टेबल में एक साथ आता है, मेरे ख्याल से तो 6 टेबल से कर लें, 6 2s और 6 3s, तो ये एक तरह से आ गया 2π/3, तो इसका मतलब कि यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 2π/3। मुझे ना थोड़ा सा कॉलम इस तरह बनाना चाहिए ताकि आपको वैल्यू भी जो फ्रैक्शन में बिल्कुल सही नजर आए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस तरह कर लूंगी, तो इसी तरह आप बाकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे, जो कि मुझे तो पता है चार्ट मैंने देखा हुआ है, तो चार्ट से भी मुझे अंदाजा है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेगी तो आपको तमाम वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचें कि 180 से 180 कट जाएगा तो पाई ही आएगा ना, फिर 2 10 का भी इसी तरह देखेंगे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो यही वैल्यूज आएंगी जो मैं लिख रही हूँ। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजली इजली हो जाता है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है भाई, इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इससे लेंथी क्वेश्चन जो है वो आपके कोर्स में मौजूद है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सब कुछ हमें इतना हार्ड लग रहा है, क्या है, सही है, सॉरी ये है 3π/2 है, मैं यही बोलूँ 3π/2। क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या किया जा सकता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3π/2 करके, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा 300 जो है वो 305π/3 है, ठीक है, ये मैं जल्दी से बातों में मिक्स कर गई, बातों में क्या एक्सप्लेनेशन में। अब 330 जो है वो 11π/6 है, ये है 11π/6, तो खैर निकाला कैसे है, वैसे ही वैल्यूज मालूम किए जैसे करते हैं। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं बची थी, वैसे तो आप लोग ये साइड में करके बनाएंगे प्रॉपर, और ये बॉक्स यहीं पर आना चाहिए, लेकिन अभी मैंने बना दिया था और बॉक्स नहीं आया, तो मैंने 360 का बॉक्स जो है वो नीचे बना दिया, तो 360 2π के बराबर आएगा, और 2π के बराबर हमने लिख दिया इसको। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज निकालने की कैलकुलेटर ट्रिक भी है, जिसमें पूरे जो वैल्यूज है वो एक साथ आ जाती हैं, लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है अवेलेबल मेरे पास इस तरह का। मैं आपको जो है क्या, क्योंकि मैं सिस्टम का कैलकुलेटर या सेंट यूज कर रही हूँ, मैं आपको कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में ही बीच में छोटा सा सेगमेंट ऐड कर दूं, अगर नहीं ऐड कर पाऊंगी तो कोई शॉर्ट वीडियो ऐड कर दूंगी उस ट्रिक के लिए। अभी फिलहाल आप sin 0 डायरेक्टली कैलकुलेटर में जब लिखेंगे sin 0, अब देखिए स्टूडेंट्स sin 0 तो 0 आएगा, तो आप 0 लिखें, अब अच्छा माइनस भी लगा देगा साथ साथ जो भी आए। अब साइन समझे 0.5 आया तो माइनस भी ऐड कर दिया, अब जिसका माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब -sin x आप पूरा एक साथ वैल्यू को देखेंगे। ये 0.8 आएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस का 0.8 हो जाएगा, इसी तरह माइनस का 1 आएगा इसका फंक्शन, आप ये वाली वैल्यू रखिएगा कैलकुलेटर में ना, और माइनस का 0.8 अगेन एंड 0.5 अगेन, ठीक है। अब आपको पता है कि 180 जो होता है ना साइन, वो होता है 0, तो 0 के साथ माइनस प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब sin 0 is 0 एंड sin 180 is 0, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, तो ये माइनस के आएंगे तो ये पॉजिटिव के होते जाएंगे, सिंपल सी बात है, सही है।
0.5, 0.8 एंड 1, ठीक है, 0.8 और 0.5, और यहाँ लास्ट जो मैं नहीं बना पाई वहाँ ये 0, ठीक है। तो ये आपको बात हो गई होगी क्लियर, और मैं कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो भी आपको नज़र आ रही हो क्लियर शायद, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमने से कर लिया, अब ग्राफ बनाना है इसका। तो याद रखें हमने 30 के डिफरेंस से बनाया है एप्पल, सही है, 30 का स्टेप लिया है, ओके ना। स्टूडेंट्स अब ग्राफ तो मैं ग्राफ पेपर पे भी शो कर सकती थी, लेकिन वो सही से आपको शायद शो ना हो पाए, तो मैं यहाँ ना पेन से आपको ग्राफ जो है ड्रॉ करके बता रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, मुझे ना सिर्फ इसी एक्सिस का काम था, इस साइड पर नेगेटिव में कोई भी डिग्री की वैल्यू नहीं है मेरी, तो मैंने इसलिए इस ग्राफ को शॉर्ट रखा है। आप लोग ग्राफ पेपर पर सेंटर में भी लाइन बना सकते हैं क्योंकि आ जाएगा, या थोड़ा साइड में ही बनाइएगा, इस वाले सेगमेंट को थोड़ा ज्यादा रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक्सिस पे ना मैं पॉइंट प्लॉट करूंगी, समझे, आपने 5 स्मॉल बॉक्स कर लिए, साइड में ही बनाइएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5 स्मॉल बॉक्स पे या 4 स्मॉल बॉक्स पे आप एक एंगल कंसिडर कर लें। जैसे पहले 0 है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 0, ठीक है। फिर क्या है, 5 स्मॉल बॉक्स के बाद पाई बाय 6, तो मैं समझे 5 स्मॉल बॉक्स के बाद या 4 जो भी आपको कंसिडरेबल रहे मैं पाई बाय 6 लिखूंगी। फिर इसी इक्वल डिफरेंस के बाद मैं लिखूंगी पाई बाय 3, ठीक है। पाई बाय 3 के बाद आपके पास क्या है, पाई बाय 2, तो इसी तरह आप जो है, ये पेन कहाँ से आ गया, पाई बाय 2 लिखेंगे और 2 पाई बाय 3, तो इसी तरह आप ये वैल्यूज जो है सारी की सारी लिख लेंगे। तो मैं भी इक्वल डिफरेंस से वैल्यूज को लिख लेती हूँ। मैं हर बार ना 360 डिग्री के साथ जो है नाइंसाफी कर रही हूँ, मैंने एक्स एक्सिस फिर थोड़ा सा करीब बना लिया तो मुझे 2 पाई नीचे लिखना पड़ा, तो आप इसको देख लीजिएगा, आप लोग एंड में लिखिएगा, सही है, पता नहीं क्यों, वैसे तो पेंसिल से कर रहे होंगे काम, तो आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक्स एक्सिस पे एंगल्स बना दिए हैं, और ये मैं बहुत ध्यान से इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग खुद भी कर सकेंगे। और इस एक्सिस पे आप देखें 0.5 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू जो है -1 तक गई है और +1 तक, तो इसका मतलब आप इस जगह पर जो है प्लॉट कर सकते हैं इस तरह के। देखें आप ग्राफ में तो 0.1 सब लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी जो है 0 पॉइंट, समझे, मैंने अगर से 0.5 ले लिया, और ये आपको पता है नेगेटिव का होता है, वाई एक्सिस है ये, पता नहीं एक्स क्यों लिखा है मैंने इसको, सही है, भी नेगेटिव का होता है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आएगी -0.5, और यहाँ -1 ले लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैंने यहाँ पर इक्वली लेना है ना, यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव का 0.5 और यहाँ पर मैं इसका 1 ले रही हूँ, ठीक। जब आप लोग ग्राफ में बना रहे हो तब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करके भी ले सकते हैं, 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़कर, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.2, 0.4 इस तरह भी करके ले सकते हैं, मतलब कि 4 बॉक्सेस छोड़ के इस तरह। तभी फिलहाल मैंने आपको इस तरह ग्राफ बताया। अब देखें पहली वैल्यू क्या है, 0 पर 0, तो पहला पॉइंट तो मेरा यही वाला हो गया। अच्छा, मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ, पहला पॉइंट तो मेरा यही वाला हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, -0.5, 5 बाय 6 पर है -0.5, मतलब ये वाला पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो मेरे पास ये वाला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपके पास पाई बाय 3 पे क्या है, -0.8, 0.8 इन दोनों के दरमियान, तो 0.8 इसी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान कहीं होगा ना, तो मैंने इसी वैल्यू से यहाँ से लिया और यहाँ पर पॉइंट मैच करके एक पॉइंट जो है वो यहाँ बना दिया 0.8 पर, ठीक है, खामखा मैंने इसको और सर्कल कर दिया। अच्छा, उसके बाद पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 में क्या है, आपके पास -1 है, तो -1 और यहाँ पर आएगा पाई बाय 2 से आपने सीक्वेंस करते हुए -1 का पॉइंट जो है ड्रॉ कर लिया। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है 2 बाई बाई 3, जिसका है -0.8, तो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होंगे, और माइनस का 2 बाई 3 ये रहा बिल्कुल, और इसका पॉइंट जो है 2 पाई बाई 3 ये रहा बना लिया हमने। फिर आगे क्या है, 0.5 माइनस का 5 5 बाई 6 में, तो फिर यहाँ पर दोबारा हमने 5 इसी के नीचे 5 5 पाई बाई 6 के 0.5 से मैच कर लिया। फिर ये पाई क्या है, 0, तो 0 के लिए हमने यहीं पर पॉइंट जो है वो ड्रॉ किया।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 7π/6 जो कि 0.5 है, तो ऊपर की तरफ ही पॉइंट जाएगा जो कि है यहाँ, यहाँ ड्रॉ करेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, 4π/3 0.8, तो वो भी आपको पता है 1 और 0.5 के दरमियान कहीं होगा, तो वो आप लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह 3π/2, तो इसका है 1 to 1 भी इस तरह ऊपर की तरफ ही जा रही है वैल्यू, तो 3 को मैच करता हुआ यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर 5π/3 0.8 अगेन, फिर दोबारा फॉल डाउन और 0.8 के सामने 0.8 होना चाहिए। फिर 11π/6 0.5, फिर 11π जो है वो 0.5 है। फिर 2π को देखें तो 0 है, तो मतलब अगर मैं इसको यूँ आगे तक ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर 0 है। तो अब अगर इन पॉइंट्स को मैं मैच कर लूँ, सही है, इन पॉइंट्स को मैच करूँ तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा कि मैंने आपको शो किया था। बहुत ध्यान से करिएगा, मैं तो अभी कॉपी टर्न नहीं कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा क्या पता टेढ़ा हो जाए, वैसे तो होगा नहीं। एक कर्व फॉर्म बनाइएगा, कर्व, ठीक है ना, कर्व फॉर्म बनाइएगा, तो ये इस तरह का कर्व बन गया। ये मेरा कर्व सही पता क्यों नहीं बना, ये पॉइंट ना यहाँ थोड़ा बनाती तो बन जाता, वैसे पॉइंट मैंने सही ड्रॉ किए, ग्राफ में तो और भी अच्छा से बनेगा। तो ये देखें अच्छा खासा अच्छा ग्राफ बन गया, मैंने सोचा नहीं था, काफी सही है ग्राफ। मैं आपको जरा इसको शो कर देती हूँ, आप लोग चाहे तो ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आपके सामने आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगर कोई गलती हो गई और आपको बात तो समझ में आ गई होगी तो आप उसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो कभी कभार पूरी वीडियो देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी मसरूफियात होती है, ठीक है। तो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बाकी क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी समझ में आने वाले हैं, तो अब जल्दी जल्दी हम बाकी क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, आपको कोई कमी रह गई होगी, तो सेकंड क्वेश्चन करने के बाद वो कमी भी जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हम जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एक्स तो आपको पता है कि एंगल्स ही हैं, एंगल्स कह रहे हैं 0 से लेकर 2π है। मैं लास्ट वीडियो में मेंशन करना भूल गई हूँ, बताना भी भूल गई हूँ, बताया तो मैंने था, वैसे मेंशन नहीं किया था, तो मैं से मेंशन कर दूंगी, अगर नहीं करूँ तो आप लोग फिर भी आपसे देख लीजिएगा 0 से लेकर 2π। अब ये तो हमें पता है, लेकिन एंगल्स में ज़रा मेंशन कर दूँ ताकि आपको ईजी रहे। 0 और आपको पता है 30 का डिफरेंस लेंगे, इसमें भी 30, 60 डिग्री एंड फिर इसी तरह 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो मैं इस तरह डिफरेंस करके लिख लेती हूँ। ये मैंने एंगल्स लिख दी है। अब ये भी आपको बता चुकी थी कि यहाँ पर कैसे हम रेडियन में वैल्यूज़ को लिखते हैं, अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली लिख कर दिखा रही हूँ। इस बार मैंने सही बनाया है, पर थोड़ा सा टेढ़ा चार्ट है, लेकिन चले क्या करें। तो जल्दी जल्दी से हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करके भी लिख देते हैं, आप लोग भी ज़रूर लिख लीजिएगा इसी तरह, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखा करें, टाइम होता है आपके पास क्वेश्चन करने का, बस अगर एक बार काम आप लोग ध्यान से कर लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। खैर, ये है पाई और ये है 7π/6 और ये है 4π/3, ठीक है, इसी तरह 3π/2, ओके, एंड 5π/3, सही है, 5π/3 एंड 11π/6, ठीक है ना। अब आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेटर से देख के लिखनी है, ये भी मैं बता चुकी थी कि भाई कॉस 0 कीजिएगा तो 1 आएगा, इस तरह कॉस 30 करेंगे तो 0.866 आएगा। खैर मैं जो दोनों लिख रही हूँ, उसके बाद 0.5 आप लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, 0.5 के बाद 0 है, फिर 0.5 है, फिर अच्छा ये माइनस का होगा, ठीक है, इधर से माइनस साइन शुरू हो जाता है, -0.866 है, माइनस क्यों होगा आप खुद देख लीजिएगा, कैलकुलेटर में आएगा। और पाई जो है वो -1 होगा, जैसे ये पॉजिटिव 1 है तो पाई -1 होगा, इस तरह ये माइनस का 0.86 होगा, ये 6 6 लिख दीजिएगा, 8 6 वैसे काफ़ी है, हमें क्या करना है ग्राफ में तो कुछ करना, 0.5 है और 0 और 0.5, तो ये सब वैल्यूज निकालने का तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और कोशिश होगी कि एक अलग सी वीडियो बनाकर भी इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी बता दिया जाए। तो खैर ये हो गई इसकी वैल्यूज, अब ये इजी आपको नजर आ रहा होगा, मुझे पता है थोड़ा सा लाइन टेढ़ी ड्रॉ हुई है, इसका कुछ नहीं कह सकता।
अच्छा तो अब क्या करें, अब जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसको। ओके अब ग्राफ बनाते हैं इसका, सिंपली ग्राफ। तो मैं पहले वही लाइंस ड्रॉ करूंगी, इस बार मैंने एंडिंग नहीं लिखी, मैंने कहा पहले पूरी वैल्यूज आ जाए, ठीक है। पाई बाय सिक्स, और इसी तरह आप लोगों ने तमाम वैल्यूज पाई बाय थ्री इक्वल डिफरेंट, सिर्फ फाइव स्मॉल बॉक्स या फोर स्मॉल बॉक्स या थ्री स्मॉल बॉक्स जो आपको सुटेबल लगे, जिसमें ग्राफ फिट आ जाए, आप उस तरह बना लेंगे। इतना तो आप लोग को आइडिया हो ही गया है, काश ग्राफ पेपर में बनाकर दिखा सकती। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं आपको तो ग्राफ में ही बनाकर बताऊं, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल डायरेक्टली ऊपर से ही कॉपी कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही, और ये हम कॉपी करने में हो रहे हैं कामयाब। फोर पाई बाय थ्री है और थ्री पाई बाय, थोड़ा डिफरेंस अजीबो गरीब हो गया है शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा इस लाइन को करना होगा एक्सटेंड, क्योंकि थ्री पाई बाई में ख़त्म हो गई है लाइन, तो चले भाई ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। इस बार मैंने ना लिख के कितना अच्छा काम किया है, फाइव पाई बाई थ्री एंड 11 पाई बाई सिक्स एंड द लास्ट इज 2 पाई, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था। चलिए ये हो गया। अच्छा जीरो के बाद 0.5 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू -1, आपको पता है यही तो होती है, और क्या होती है, होती ही है हर हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अच्छा हाँ एक और बात, ये तो लिखना बिल्कुल मत भूलेगा कि ये है वाई एक्सेस एंड ये है एक्स, वाई है सॉरी, फिर से एक्स बोल लो। ओके एंड देन ये है एक्स एक्सेस और ये भी एक्स है, लेकिन फिलहाल इसका कोई काम नहीं, चल लिख देते हैं एक्स एक्सेस नेगेटिव वाला। ओके अच्छा, अब ऐसा है कि नेगेटिव साइंस को मैं इधर ड्रॉ कर लेती हूँ, 0.5 0.8 इसे लिखना चाहती हूँ, तो मैं इस बार थोड़ा चेंज ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं मैं वही बना देती हूँ वैसे अभी, क्योंकि जगह मैंने इतनी नहीं छोड़ी है ना, तो 0.5 और 1 के हिसाब से बना देती हूँ, आप लोग चाहे तो 0.2 के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी यकीनन यकीनन, हाँ बिल्कुल यकीनन बता दूंगी। तो ये हो गई बात, और यहाँ पर ये आया माइनस का 0.5। अच्छा जब हम इसमें खुद अपना अंदाज से रखते हैं तो फर्क आता है, ये माइनस का कहाँ से हो गया, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का 0.5 है, माइनस का नहीं है। अच्छा जल्दी से आप उसकी वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं, वैल्यू को किया प्लॉट, देखें पहले है पाई बाय जीरो, तो जीरो पर क्या आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है, तो इस बार शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है। फिर पाई बाय सिक्स में क्या, 0.8 0.86 यहाँ होगा इन दोनों के दरमियान, तो मैंने इस पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर 0.6 के लिए एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। फिर है पाई बाय थ्री, और पाई बाय थ्री आपके पास 0.5 है, तो 0.5 पे एक पॉइंट बना दिया। फिर पाई बाय टू 0 है, तो चले भाई यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। फिर 2π/2 -0.5 है, चलें भाई यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। फिर 5/6 0.8 है, देन यहाँ एक पॉइंट, अरे इन दोनों के दरमियान बढ़ाना है ना, तो यहाँ, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया पॉइंट, मुझे पता है, छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, 0.5 थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो इसलिए पॉइंट ज़रा ज़रा दूर लग रहे हैं। ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, ईजिली बन जाएगा, आप इतना अंदाज से इतना अच्छा ग्राफ बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा पाई हो गया -1, पाई क्या है -1, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद 7π/ 0.866 है माइनस का, तो फिर ये वापसी पॉइंट यहाँ आया। फिर इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है माइनस का 0.5 है, आपको तो दिख रहा होगा, तो ये यहाँ आएगा। फिर 3π/2 0 है, तो फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर 0.5 अगेन है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर 0.8 अगेन है, तो अब मुझे बनाना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, ये अभी यही काम होता, तो अगर ग्राफ होता तो बड़ा आसान होता। फिर 1, तो 1 इसका मतलब कि यहाँ पर 1, ठीक है। अब इस ग्राफ में बड़ा अच्छे से लाइन ड्रॉ हो जाए, कर्व बन जाए अच्छा सा कर्वी सा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं कर्व बनाने की कोशिश करूँ, ये पॉइंट आउट हो गया, ये होगा नहीं जब हम सही ड्रॉ करेंगे ना, कोई भी पॉइंट आउट नहीं होगा, सही होता ही नहीं है कोई, ये वो चार पॉइंट निकालने वाली वाली थोड़ी ना, जिसमें हम एक गलत निकाल लें और आउट हो जाए। तो खैर ये हो गया सिंपल सा, आपके पास कॉस का भी ग्राफ सॉल्व। तो 2 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये बनाना आ गया होगा। कर्व को मेरे इग्नोर कीजिएगा, वैसे नहीं अच्छा कर्व बना, इतना बुरा भी नहीं है, इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये कॉस हमने सॉल्व कर लिया है, साइन भी हमने सॉल्व कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम टैन कॉट सेक जो भी है इन क्वेश्चंस इस चैप्टर में शामिल, उसकी ग्राफ बनाएंगे। तो बहुत आसान है क्वेश्चन करना, ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन के और वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा 12.1 की, ठीक है स्टूडेंट्स। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज।